अंशिका चौहान, आई स्टडी इन क्लास 4B। तो आज मैंने चैनल न्यू बनाया है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। तो जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है ग्लू और सीजर और एक पेपर है जो इतना है साइज का। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सजावट के लिए कुछ यहाँ पर ये लिए हैं जिनसे सजावट की जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया, इसको हमें बिल्कुल बराबर एकदम फोल्ड करना है। तो अभी हमें एक पेंसिल से इसमें एक लीफ का जो पिक्चर होता है वो बनाना है। तो अभी हमें इसको कैच सीजर से काटना है। अब हमने इसको काट लिया है। तो ऐसा ही हमने एक और पीस लिया, इसको भी अभी हमें जो जैसा हमने ये वाला किया था वैसे हमें इसको कट करना है। तो पहले अभी हमें इसका साइज ले लेना है, जितना भी इसका जो है साइज, फिर इसको काटना है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम जो हम बना रहे हैं वो साइज का ही नहीं बनता है, फिर गलत हो जाता है, इसलिए फिर बन नहीं पाता पूरा। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे ऐसा ही बिल्कुल ड्रॉ कर लिया, अभी मुझे इसको कट करना है। कर दूंगी। इसको कट कर लिया है, पहले देख लेंगे कि ये बिल्कुल सेम साइज का है कि नहीं। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसको जो बाकी का हिस्सा है वो मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बिल्कुल सेम ही कलर का एक पेन लेना है। ये बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, और इसका जो ढक्कन है वो निकाल लेना है। और अभी हमें क्या करना है, हम एक ये लेंगे और इसको ग्लू से चिपका देंगे इस पेन पर। वैसे दूसरी साइड से हम इसको ऐसे करके चिपका देंगे। इसको सूखने के लिए रख देना है, क्योंकि फिर क्या होता है ये उतर कर बाबा गिरने लग जाता है। तो इसको हमें सूखने के लिए अभी थोड़ी देर रख देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सूखने के लिए अच्छे से दे दिया था ब्रेक इसको। तभी मुझे दूसरी साइड से क्या करना है, ग्लू ही लगाना है मुझे भी दूसरी साइड से। और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हमें उसको ऊपर लगाना है, थोड़ा सा बस। और इसको बिल्कुल सेम साइड से इसको चिपका लेना है। तो मैंने इसको जहाँ ये जो सूखने के लिए रखा था ये बिल्कुल एकदम टाइटली जो है सूख चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और इसको चिपका देना है, जैसे गोल ऐसे करके चिपकाया जाता है, लाइक दिस। अभी हमें इसको चिपका देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इस कैची लेनी है और इसको पहले हमें इसको यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल की शेप में ऐसे काट देना है। फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ बीच में स्पेस देके यहाँ तक, और इसको फिर से यहाँ पे से ऐसे ही शेप में काटना है। तो यहाँ मैंने इसको काट लिया है, अभी मुझे इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देना है, की साइड नहीं चिपकाना है, इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। तो इसको चिपका देते हैं हम।
तो अभी हमें क्या करना है, इसको दोनों साइड से पहले ऐसे, फिर इसको यहाँ पे पीछे की साइड ऐसे कर देना है ताकि ये अच्छा लगे, दोनों साइड से अच्छा लगेगा। तो उसको अभी हमें बीच में से चिपकाना है, ओनली फिर चिपका देंगे। तो अभी हम इसको पीछे की साइड से चिपका देना है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कैची लेनी है और इसको यहाँ पे थोड़ा बीच में को थोड़ा यहाँ पे स्पेस देके ऐसे पतला पतला कट कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पे सभी कट कर लिया है, जैसे मैंने कट किया है वैसे ही आपको भी करना है ताकि बहुत ही सुंदर बने। तो इसी साइड से मुझे वैसे ही कट करना है जैसे मैंने यहाँ किया था। तो जैसे मैंने यहाँ पर कट किया था मैंने वैसे ही इस साइड से इसको कट कर लिया है। अभी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मुझे ये लेना है जिसको हम डेकोरेट वैसे करते हैं, इसको फिर हमें ग्लू से यहाँ पर चिपका देना है इसके यहाँ पर बीच में। तो इसको अभी हमें यहाँ पर ऐसे करके चिपका देना है, वैसे ही पिछली साइड यहाँ पे चिपकाना है दूसरी साइड से। तो मैंने यहाँ पर इसको दूसरी साइड से मैं चिपका रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी जो मैंने डिजाइन पेन जो बनाया था बिल्कुल रेडी हो चुका है एकदम। तो जो मैंने यहाँ पर डिजाइनर पेन बनाया था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक मिनी नोटबुक बनाई जिसमें आपको मैं आपको कुछ लिख कर दिखाऊंगी, इसकी ट्रायल करके दिखाऊंगी। तो